हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य से कोई भी पेपर हो क्वेश्चन आना ही आना है। मौर्य साम्राज्य जिसका टाइम पीरियड है 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा, जिसके सबसे महान जो शासक हुए हैं वो कौन है? अशोक है। इस वंश में तीन महान शासक माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक हैं, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य भारतीय भूभाग पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य जिसकी स्थापना नंद वंश को हटाकर किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। द्वारा की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के प्रथम क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट कह रहे थे, ये बात आप ध्यान में रखिए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो चक्रवर्ती सम्राट, प्रथम चक्रवर्ती जिसका साम्राज्य अखिल भारतीय था, ये बात इससे पहले तक तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो है कहाँ प्रस्थापित हुआ था? मगध में। मगध में इस वंश की स्थापना भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। जिसके साथ ही मगध काल की समाप्ति हुई और साम्राज्य साम्राज्य विश्व नए साम्राज्य आ गए। इससे पहले महाजनपद थे, आपको पता है मगध महाजनपद सबसे क्या था? शक्तिशाली एक महाजनपद के रूप में ये स्थापित हुआ। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। महावंश में वर्णित है, महावंश, दीपवंश और महावंश दो बौद्ध ग्रंथ हैं, में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य सकल पूरे जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भारत को कहा जाता था, जम्बूद्वीप के शासक थे। इस बात को आप ध्यान रखिए। और दूसरा, मुद्रा राक्षस ने, मुद्रा राक्षस
में चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है? चतु समुंदर पर्यंत, चार समुद्रों चंद्रगुप्त को चतु समुद्र पर्यंत साम्राज्य का शासक कहा गया, मतलब इसका साम्राज्य चार समुद्रों को, जहां तक चार समुद्र को वहां तक फैला हुआ था। ध्यान में रखिए। और मौर्य साम्राज्य कश्मीर से बना क्या था? कश्मीर से कर्नाटक तक, वह बंगाल से सौराष्ट्र फैला। दक्षिण भारत पर मौर्य वंश का वर्णन किसमें मिलता है? वर्णन एहनानाद में, जिसकी रचना किसने की थी? मामलूनाद में, एहना नारू, एहना नारू में मिलता है। वह सौराष्ट्र में वंश अधिकार का वर्णन इसमें मिलता है, जूनागढ़ में। दक्षिण ये बात आपको, ये कि आपको ये फैला हुआ था यहां से कश्मीर से कर्नाटक, कर्नाटक में इसका वर्णन एहना नारू जो ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है एक, और सौराष्ट्र में जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्र दामन का है, इससे पता लगता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? मौर्य वंश के तीन प्रमुख शासक हुए, जिसमें अशोक को ना केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व के महान शासकों में गिना जाता है। और जिसने अपने धम्म के माध्यम से, हम अपने अपनी कह लीजिए अपनी धम्म नीति के माध्यम से पूरे विश्व को प्रभावित किया। मौर्य काल में भारतीय इतिहास के हर पहलू को मौर्य काल में भारतीय इतिहास के हर पहलू को नए ढंग से सोचने
वह लिखने का प्रयास किया गया। अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से शिलालेखों व स्तंभ लेखों के माध्यम से अपनी प्रशासनिक नीतियों व योजनाओं को जनता के सामने रखा। ये बात आप ध्यान में रखिए, इंट्रोडक्शन में आप कोई भी मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आ जाए, इस इंट्रोडक्शन को उसमें शामिल कर सकते हैं। इस काल के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वह सभी सभी दिशाओं में नए प्रयोगों की शुरुआत हुई। ये जिसका प्रभाव पूरे प्राचीन भारत के इतिहास पर स्पष्ट होगा। अब इसके ये इंट्रोडक्शन आप इसमें शामिल कर देंगे, इसके मेन मेन बिंदु को, तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आप अच्छे नंबर ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन मौर्य से आएगा तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम मौर्यों के इतिहास के जो सोर्स हैं, कि हमें मौर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन से पुरातात्विक, कौन से साहित्यिक सोर्स थे, मौर्य शासक कौन कौन से थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297-98 तक, उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद अशोक, उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी, इसके बाद समकालीन राजनीति, समकालीन समाज, समकालीन अर्थव्यवस्था, इसमें समकालीन संस्कृति, कला और धर्म को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, मौर्य जो साम्राज्य है वो साउथ में, कहाँ तक, इसके जो साउथ में पड़ोसी राज्य थे, चोल थे, पांडे थे। पांडवों का वर्णन कहाँ मिलता है? पांडवों का वर्णन इंडिका में, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अलावा केरल उत्तरी जो कौन थे, चेर थे। ये कौन से हैं? ये संगमकालीन राज्य हैं। ये इनके क्या थे? समकालीन राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे साउथ। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे। अशोक ने कलिंग को जीतकर एक नया प्रांत जोड़ा। ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद इतिहास के जो इनके सोर्सेज हैं, सबसे पहले इतिहास के जो सोर्स हैं वो हमारे पास साहित्यिक सोर्स हैं। साहित्यिक सोर्स में
देसी और विदेशी सोर्सेज हैं, देसी में भी गैर धार्मिक गैर धार्मिक और धार्मिक, ठीक है। और विदेशी में सिकंदर के साथ जो लोग आए थे, क्योंकि तो सिकंदर मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले ही यहाँ पर आया, ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सिकंदर के आक्रमणों की मुख्य भूमिका कह सकते हैं, क्योंकि उसने बाकी को कमजोर किया ना। उसके बाद मैगस्थनीज आया, सेल्यूकस जो निकेटर था उसका ये राजदूत था, इंडिका लिखी इसने, भारत आने वाला प्रथम राजदूत है। हाँ विदेशी राजदूत, तो मौर्य कालीन जो लेखक हैं उनके बारे में हमने इसमें, कौटिल्य का नाम मुख्य आएगा। इसके अलावा सोर्स जो पुरातात्विक सोर्स में इनके सिक्के आहत सिक्के होते थे, इनके उत्खनन जो वहां से मिले मृद भांड NBPW थे, अभिलेख जो कि खासकर अशोक से पूर्व के और अशोक के अभिलेख, ठीक है। और जो अशोक जो अभिलेख है हमें मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं जो स्तंभों पर थे, शिलालेख हैं जो शिलालेखों शिलाओं पर थे, उसके बाद गुहा लेख हैं जो कि गुफाओं में लिखे गए, इस तरह के ये मिलते हैं। साहित्यिक सोर्स में देखिए, गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे पहले क्या आता है, अर्थशास्त्र आता है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना कौटिल्य ने की थी, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम ने की थी। यह है संस्कृत साहित्य है, यह इसके जो 15 अधिकरण है, 15 भाग हैं, 180 प्रकरण है। और आर शर्मा ने इसको, राजाराम शास्त्री ने इसको कब निकाला था, 1905 में मैसूर से इसको प्राप्त किया था, ठीक है। अर्थशास्त्र का मूल विषय राजनीति है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी का नहीं है, ये अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है, राजनीति है। इसमें राज्य को जीतने, उसे बनाए रखने के तमाम दाव पेच, किस तरह से एक राज्य को बनाया जा सकता है, किस तरह से उस राज्य को चलाया जा सकता है, दिए गए हैं इस पुस्तक में। मौर्यों के राजनीतिक प्रशासन, कर व्यवस्था, विदेश नीति, समाज और संस्कृति आदि का महत्वपूर्ण उस पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और जो विदेश इसको क्या कहते हैं, कौटिल्य ने विदेशी शासन की निंदा की, विदेशी शासन अच्छा नहीं होता। राज्य अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसके तहत राज्य के लिए 7 आवश्यक तत्व बताए गए कि अगर जिसके अनुसार राज्य चलता है, मजबूत बनता है। सबसे पहले क्या होता है, स्वामी, है ना, ये क्या होती है, ये साम्राज्य की धुरी होता है, जितना स्ट्रोंग ये व्यक्ति होगा इसी के ऊपर सब कुछ टिका है। उसके बाद अमात्य होते हैं, मंत्री होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, ये भी योग्य होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मनमोहन की सरकार में थे, सारे ही ऐसे बैठ गए कि जो खा ही रहे थे, जनपद है ना, नागरिक एवं अक्षेत्र, ठीक है। एक जनपद होता है एक वो, उसके बाद कोष खजाना होता है, जितना कोष हमारा मजबूत होगा तो साम्राज्य भी उतना ही मजबूत होगा। जैसे अगर हमारा कोष खाली हो गया तो सोच लो कि हमारा साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद दुर्ग, किला जितना स्ट्रोंग होगा, क्योंकि उसमें सुरक्षा की दृष्टि से किला एक बहुत स्ट्रोंग किला होना चाहिए, बल एक सेना, मजबूत सेना होगी तो साम्राज्य उतना ही स्ट्रोंग होगा। और उसके बाद मित्र सहयोगी, राजा को सलाह देने वाले, देखिए कोई भी व्यक्ति कब तरक्की कर सकता है, जब उसको सलाह देने वाले सही होंगे। जितने जो हमारे चारों तरफ के लोग हैं वो हमें किस तरह से सलाह देते हैं, उसके अनुसार ही हम अगला क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे, इसको हमने बड़ा परख के रखना चाहिए हमारे साथ में। तो इसमें राजा सबसे पहले हो, जो सहयोगी है, मित्र है, वो सबसे 7वां अंग इसको माना गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस क्या है, विषाक्त द्वारा लिखित गुप्तकालीन रचना है, चंद्रगुप्त और
चाणक्य की कहानी इसी में मिलती है। मुगल ये मौर्य साम्राज्य वह नंदवंश की का वर्णन जी। इसको विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? विरसल का, विरसल माने निमन कुल का या कुल ही कुल विहीन कहा गया है। उसके बाद दस कुमार चरित दंडनी की रचना है, इसमें पाटलिपुत्र के 10 कुमारों की चर्चा की गई है। राजतरंगिणी कश्मीर के लेखक कलहण की रचना है, इसमें अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक कहा गया है। कश्मीर का प्रथम शासक इसमें कहा गया है। और इसी साथ साथ इसमें क्या बताया गया है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की। उसके बाद धार्मिक सोर्सेज जो आते हैं, धार्मिक सोर्स मौर्यों की उत्पत्ति, धार्मिक जो सोर्सेज है उनमें मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित विषय को उठाया गया है कि मौर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। ब्राह्मण साहित्य है जिसमें धर्मसूत्र और पुराण आते हैं, इसमें मौर्यों को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? मौर्यों को शूद्र क्यों माना गया है? क्योंकि मौर्य ने क्या किया था? जैन धर्म अपनाया, है ना। बिंदुसार ने और अशोक ने बोल ये क्या स्पष्ट करता है कि जो मौर्य हैं उनका जो धर्म रहा है वो हिंदू नहीं रहा, मतलब वैदिक धर्म। उन्होंने वैदिक धर्म को संरक्षण नहीं दिया, ये कैसे? तो ये जो वैदिक धर्म क्या नहीं, ब्राह्मण धर्म, इसलिए इनको शूद्र कहा भाई। उसके अनुसार बोध साहित्य कथा वस्तु मंगलीपुत्र तिशिश ने लिखी थी। कथा वस्तु मंगलीपुत्र तिशिश अशोक के गुरु थे ये, ठीक है। और मिलिंद पनौ, ठीक है, नागसेन की रचना है जिसमें मिनांडर और उसके क्वेश्चन है, मिनांडर हुआ नागसेन की वार्ता है इसमें। इसमें क्या बताया है? मौर्यों को अक्षत्रिय बताया है कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को अक्षत्रिय बताया गया है। उसी तरह कल्पसूत्र भद्रबाहु का है और प्रशिष्टि पुराण हेमचंद्र की है। तो इसमें मौर्यों को क्या बताया गया? मौर्यों को अक्षत्रिय बताया गया है, तो इसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है जिसमें जिनकी संख्या 549 बताई जाती है, ठीक है। इसमें भी मौर्यों को क्या बताया गया है? मौर्यों को वही अक्षत्रिय बताया गया है। विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य जो ये विदेशी साहित्य है जो उसमें भी मौर्यों को क्या कहते हैं? सामान्य कुल से उत्पन्न बताया गया है ना, वो कहते हैं कि इतना कोई मतलब ये कह सकते हैं शासक वर्ग से उत्पन्न नहीं है ये। उत्पन्न न होने की बात कही, मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैन साहित्य में क्या कहा गया है, ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया है, विदेशी साहित्य में क्या कहा गया है, ठीक है। और विदेशियों के विरुद्ध सिकंदर के साथ जो जो सिकंदर भारत आया तो 326 BC में ना व्यास नदी से वापस गया था। मतलब मगध
क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, ध्यान में रखिएगा। तो इसके साथ अरिस्टोबुल्स, न्यारकस और अनिसिपेट्स आते हैं, ये उस समय की कंडीशन के बारे में लिखते हैं। उसके बाद मैक्सनीज आया, मैक्सनीज ने इंडिका लिखी थी, समकालीन समाज शासन धर्म वह राजनीति की चर्चा करता है, वह आर्थिक दशा की चर्चा करता है ना। करता है ना, समाज में सात वर्ग बताए थे। मैक्सवेल ने कौन से सात वर्ग बताए हैं उसका भी हम वर्णन अलग से करेंगे। इसके अलावा मौर्योत्तर काल में जो लोग आए उनमें पिलनी है, नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी जिन्हें, ठीक है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, एरियन है, ये लोग आए हैं, ये भी मौर्यों के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सनीज की इंडिका, मैक्सनीज सीरिया के शासक सिकंदर का, जो सिकंदर के शासक, जो सीरिया के शासक सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। यह 304 से 299 BC के बीच पाटलिपुत्र में आया, जब युद्ध, जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ, फिर संधि हुई, उसके अनुसार ये आया। उसकी पुस्तक इंडिका है, मौर्यों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सोर्स मानी जाती है। मौर्यों के बारे में आज ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो ये लोग आए हैं इन सब में इसका वर्णन मिलता है। विशेष रूप से यह मौर्यों के नगर सैन्य प्रशासन की सूचना देती है। यह पाटलिपुत्र की बसावट और क्षेत्रफल की भी जानकारी देती है। इसमें चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है, इंडिका में चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस, और पाटलिपुत्र को कोलिग्रो था। क्या कहा गया है, पाटलिपुत्र को पोलिग्रोथा कहा गया है, ठीक है। इसके यहाँ ये पाटलिपुत्र की बसावट क्षेत्रफल की जानकारी देती है। मैक्सनीज कहता है कि नगर प्रशासन पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियां चलाती थी, ठीक है, और इसी प्रकार पांच पांच सदस्यों की 6 समितियों द्वारा सैन्य प्रशासन चलाया जाता था, सबकी जिम्मेवारी अलग अलग होती थी, ठीक है। मैक्सनीज की इंडिका में की कई सीमाएं भी हैं, उसको ज्यादातर एज इट इज समाज को समझने में नाकामयाब रहा, क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं आती थी। जैसा वह कहता है कि समाज में अकाल की, भारत में अकाल नहीं पड़ते, भारत में दास नहीं है, और भारत में सात जातियां उसने बताई हैं। उसने कहा कि चींटियां जो हैं, सोना खोदती हैं, इस तरह की जो कुछ उसने बातें की हैं, वो क्या लगती हैं कि उसको समाज के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। अब आते हैं अभिलेख, अशोक के बारे में जो सॉरी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो अभिलेख हैं उनका क्या रहा है, अशोक के पूर्व के अभिलेख, अशोक से पहले के जो अभिलेख हैं। तो अभिलेख इतिहास के सबसे ऑथेंटिक, ये कह लीजिए, जानकारी के सोर्स माने जाते हैं, सबसे विश्वसनीय सोर्स माने जाते हैं। तो इनमें अभिलेख जो हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं, पहाड़ी पर लिखे गए हैं, तमों पर लिखे गए हैं, कलश पर, ताम्र पत्रों पर ये लिखे गए हैं। इसके साथ तीन महत्वपूर्ण अभिलेख हमारे सामने आते हैं, पिपरावा लेख बस्ती यूपी से मिला है, महास्थान लेख बोगरा राजस्थान बांग्लादेश पत्थर पर मिला है, बागोर, और जो एक सहागोरा है ना, महास्थान और सहागोरा लेख, ये किसके हैं, ये दोनों किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, ठीक है। और इन दोनों पर क्या है, ताम्र पत्थर पर है, ये जो सहागोरा है ये ताम्र पत्थर पर है। साथ ही इसमें यहाँ पर अन्नागार, यानी जो ग्रेनरी जो होता है उसके अन्नागार के चित्र मिले हैं दोनों पर, जो किसी का अकाल के समय मौर्य अधिकारियों को राहत कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश और राशनिंग व्यवस्था का जिक्र मिलता है यहाँ से, किस तरह से अनाज को बचा के रखा गया है। आगे मध्यकाल में खिलजी में ऐसा मिलता है मध्य,
उन्हें मिलता है, इस व्यवस्था का उन्हें मिलता है। तो जो ये पिपरावा लेख है, यह लेख कलश पर उत्कीर्ण था। इसमें स्तूप की पूजा की चर्चा मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला यह सबसे प्राचीन लेख माना गया है। अशोक के अभिलेख हम आगे पढ़ेंगे, पूरे अलग से ही पढ़ेंगे इसको। सिक्के, देखिए सिक्कों पर आते हैं सबसे पहले। देखिए जो सिक्कों की शुरुआत होती है वो कब होती है, वो 6th सेंचुरी BC में हो गई थी। सिक्के जो हैं मौर्य काल में पिछले कालों की भांति आहत सिक्के मिलते हैं। कौन से सिक्के मिलते हैं? आहत सिक्के मिलते हैं। उत्खनन रिपोर्ट, पाटलिपुत्र, तक्षशिला आदि स्थलों से खुदाई से मौर्य काल के अनेक जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सिक्के थे? पहला सिक्का निस्क, वह इसको सुवर्ण इसके सिक्के होते थे। अभी कोई सिक्का मिला नहीं है, वर्णन मिलता है किताबों में, लेकिन कोई सिक्का मिला ना, अभी कोई सिक्का नहीं मिला है। अगला सिक्का था पर्ण, उसके बाद धरण इसको कहते थे, अर्षापर्ण इसको कहते थे। इसको ये पर्ण था जो ये प्रधान सिक्का होता था, प्रमुख सिक्का, जैसे आज रुपया है ना, लेन देन इसी में होता। माध्यम से होता था। चांदी का ये सिक्का होता था, इसके नीचे होता था मास्क। ये क्या होते थे? ये चांद, ये तांबे के सिक्के थे। मुद्रा व्यवस्था के बारे में वर्णन करना आ जाए तो इसे एक मास क्या, ये 32 मास जो हैं एक पण के बराबर होते थे, बराबर एक पण। ठीक है, और जो टकसाल जो होती थी, ठीक है, और टकसाल का जो निरीक्षक होता था, रूप दर्शक होता था, वो इसी से रुपया नाम पड़ा। और टैक्स देकर कोई व्यक्ति या संस्था अपने सिक्के बनवा सकते। अपने सिक्के बनवा सकते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। मुगल काल में कितने सिक्के, मुगल काल में 6% देकर, कोई अपने सिक्के बनवा सकते। इस बात समझिएगा, ये मौर्यों के जो कह सकते हैं जितना इनका सिक्के हैं और जो मुद्रा व्यवस्था के बारे में इतना ही इसमें आता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम कहता है, सर्वप्रथम नगद वेतन का उल्लेख है, मिलता है, ध्यान में रखिए, मेंशन करिए। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। राज्य का संस्थापक था ये, विजय और इसकी युद्ध नीतियां, चंद्रगुप्त मौर्य राज्य का संस्थापक था मौर्य। सर्वप्रथम इसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपनी शक्ति खड़ी की। पश्चिमोत्तर के कबीलियाई लोगों को सेना में भर्ती करके, इसलिए इसकी सेना को विदेशी लोगों ने क्या किया कहा है, जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है।
इन लोगों को शामिल करके इसने जस्टिन डाकों ग्रो कहा। प्लूटार क्या कहता है, कहता है कि इसकी सेना 6 लाख थी। गुलियम पूरे भारत को रौंद डाला जी। प्रथम पंजाब को जीता इसने। इसके विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों की विजय की। प्लूटार्क लिखता है कि अपने 6 लाख सेना के द्वारा समस्त भारत को रौंद डाला उसने। इसी प्रकार जस्टिन कहता है कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पुनः स्वतंत्र हो गए। मतलब भारत में विदेशी शासन से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है ना। और इसकी पहचान किसने की थी, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। सेल्यूकस से युद्ध 305 बीसी में क्या हुआ, सिंधु पार करके इलाकों को नियंत्रण को लेकर। अब सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का उत्तराधिकारी कह लीजिए था। उसने सोचा कि भाई सिंधु नदी पार करके उसने सोचा कि आगे के क्षेत्र को मैं जीत लेता हूँ। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इसकी चर्चा एपियानस ने की है। एपियानस इस युद्ध की चर्चा करता है। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजेता बना और दोनों के बीच में महत्वपूर्ण संधि हुई। संधि में क्या क्या हुआ, संधि में 4 अक्षेत्र इसको मिले चंद्रगुप्त मौर्य को। इसमें कौन कौन से 4 अक्षेत्र मिले, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंधु पार के 4 अक्षेत्र दिए। एरिया जिसको हेरात कहते हैं, जेड्रेसिया, बलूचिस्तान, आर्केसिया, कंधार और उसके बाद अगला जो क्षेत्र था वो कौन सा था, पेरो पिनसी डाई है ना, इसको काबुल कहते हैं। ये 4 अक्षेत्र उसको मिले। इसके बदले में गिफ्ट के रूप में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। ये कह सकते हैं ये क्या सिद्ध करता है कि मगध के पास बड़ी संख्या में हाथी दिए। ऐसे व्यक्ति वही गिफ्ट करेगा ना जो उसके पास होगा। एक ग्रीक राजकुमारी हेलना से इसका विवाह हुआ, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था ये, है ना। संधि के तहत मेगस्थनीज एक राजदूत था, भारत आया है ना, दरबार में प्रथम राजदूत है ये। राजदूत जो भारत आया, प्रथम विदेशी राजदूत जो भारत आया। उसकी नीतियां, चंद्रगुप्त एक उदारवादी शासक था। उसकी राजनीतिक व प्रशासनिक नीतियां प्रजा हितैषी थी, मतलब प्रजा को लाभ देने वाली। धार्मिक मामलों में वह काफी उदार था। चंद्रगुप्त और जैन धर्म, चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसके संरक्षण में प्रथम जैन संगति हुई पाटलिपुत्र में 300 BC के आसपास। अंतिम समय में उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी दे दी और वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। और वहां पर उसने क्या किया, उसने श्लेषणा विधि, भूख से, भूख अन्न जल त्याग कर, भूख के माध्यम अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त किया। श्रवणबेलगोला जैनियों द्वारा, जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जैन संत बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है, जो पूर्व मध्यकाल में चामुंड राय द्वारा
इसे स्थापित किया गया था, ये बात आप ध्यान में रखिए। श्रवणबेलगोला में हर 12 वर्ष बाद एक महत्वपूर्ण जैन त्यौहार मनाया जाता है जिसे मस्तकाभिषेक कहा जाता है, ठीक है, ये वहां पर था। उसके बाद आते हैं बिंदुसार पे। बिंदुसार 298 में गद्दी पर बैठा, 273 शासन किया, और इसने क्या किया था, 16 नए प्रदेशों को जीता। ठीक है, इसकी जो एक खास बात क्या है जो बिंदुसार के बारे में है, दिव्य वादना के अनुसार अनुसार प्राचीन काल की सबसे बड़ी मनी सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की, जिसमें 500 सदस्य थे, जिसमें कितने, 500 सदस्य थे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों ने बोला। बिंदुसार के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा, पहले वो दबा नहीं पाया तो अशोक को भेजा। अशोक इस समय उज्जैनी का गवर्नर था, इसने उसने विद्रोह को दबा दिया। वहां की जनता का कहना था, हम शासक के खिलाफ नहीं है लेकिन दुष्ट अमात्य हमारा शोषण करते हैं, जो मतलब दुष्ट अमात्य, जो अधिकारी वहां पर, अमात्य कौन होते, अधिकारी होते हैं ना, जो अधिकारी वहां पर है उनसे हम दुखी हैं, है ना। मनोहर लाल खट्टर से कोई दुखी ना हो, लेकिन हो सकता है कि जो आगे के उनके जो मंत्री हैं उनसे दुखी हो सकते हैं। और बिंदुसार के विदेशी संबंध काफी अच्छे थे, उसने मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फ और सीरिया के शासक एंटियोक्स से राजनीतिक संबंध स्थापित किए। ये क्या है, मौर्यों की विदेश नीति को दिखाता है। एंटियोक्स ने डायमेक्स नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से तीन चीजें मांगी थी, भाई ये भेजना मुझे मीठी अंजीर, मीठी मदिरा, सॉरी मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। इसमें से दो प्रथम चीजें उसने भेज दिया, लेकिन अब दार्शनिक नहीं भेजा क्योंकि यूनानी कानून में इसकी इजाजत नहीं है। उसने कहा कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं दे सकते। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था, अनुयायी था, इसके दरबार में आजीविकों को विशेष सम्मान था। आजीविक जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी, मोंगली, सॉरी इसकी स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मखली घोषाल। मखली घोषाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो अगले क्लास में हम अशोक से शुरू करेंगे और आगे का जो पूरा पार्ट है अशोक को लेकर ही हम करेंगे। तो ये दो शासक थे, थैंक यू।